व्हाट इज अप यूट्यूब अनरॉग ने दिस साइड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ब्रांड न्यू एपिसोड जिसमें होगा हमारे एक आर्म्स वर्कआउट और मेरे दिन की कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी जिसमें मैं आपको शो करूंगा अपनी कुछ मीम्स। Thank you.
lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. तो फाइनली मैं अभी नहा के निकला हूँ. आज का वर्कआउट सेशन बहुत ही बढ़िया था. पंप भी काफी अच्छा आया. आर्म्स पूरी तरीके से पंप हो गए, भर गए थे. तो वर्कआउट भी ऐसी होनी चाहिए, एकदम बढ़िया. तो ऑमलेट टेस्ट वाइज डिसेंट था, जैसे कि होना चाहिए था. अब खुद बनाते हैं तो कैसा भी बन जाता है. सो अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं. इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि होने वाला है स्टेरॉइड्स के ऊपर. जो कि कोई भी बॉडी बिल्डर होता है उसके मन में हमेशा ये ख्याल जरूर आता है. उसके मन में उसको जानना होता है कि ये सब क्या होता है. कई लोग स्टेरॉइड्स के बारे में जानते भी हैं लेकिन बस जानते ही हैं कि स्टेरॉइड जैसे ये मसल फूल जाती है, मसल ग्रोथ हो जाती है, जो भी सब थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं. पर एक्चुअल में कौन सी दवाई, कौन सी चीज़ उसमें यूज़ होती है, कौन सी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों के नाम, डोसेज वगैरह कितनी लेनी होती है, इस सब की किसी को नॉलेज नहीं होती है. हालांकि मुझे भी पूरी नॉलेज नहीं है. मैं कोई फिटनेस ट्रेनर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट अभी नहीं हूँ, लेकिन जो भी थोड़ी नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा. तो और आज की जिस टॉपिक के हम लोग पर बात करेंगे वो कोई स्टेरॉइड्स के मतलब कोई स्टेरॉइड्स के ऊपर बात नहीं है. वो है अभी सिर्फ सेफ्टी साइड के ऊपर, जो कि होने वाला है पीसीटी. पीसीटी होता क्या है देखते हैं अभी. सेट अगर आप कभी परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स को लेने के बारे में सोचते हो या फिर लेते हो तो आपके दिमाग में पोस्ट साइकिल थेरेपी का ख्याल जरूर आता होगा. इन शॉर्ट पीसीटी. तो बस आज मैं इसी चीज के ऊपर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करूंगा जो कि आपको सॉर्ट ऑफ गाइड की तरह हेल्प करेगी. जब भी आप अपने आइडियल बॉडी बिल्डर की फिजिक को देखते होंगे तो शायद आपको उसके आप शायद उसके हैवी ड्यूटी वर्कआउट फॉलो करते होंगे, उसकी तरह जिलियंस ऑफ कैलोरीज खाते होंगे. बट क्या आपको रिजल्ट मिला? नहीं. रीजन बीइंग दोज आर पॉपिंग मसल्स नीड्स अ हेल्पिंग हैंड बियॉन्ड एनी मैन कैपेबिलिटी. और यहाँ आते हैं आपके परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स, जिसको आप इजी वे में पैड्स कह रहे हैं. आपने सुन नहीं खेल रहे हैं या नहीं खेलना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेरॉइड यूज करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा फॉर नॉन मेडिकल यूज. लेकिन अगर आप इस रूट को चूज करके अपनी डिजायर्ड फिजिक को अचीव करना चाहते हो तो हाँ, मैं आपकी एक माइनस साइड पे हेल्प जरूर करूंगा. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं सिंथेटिक फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपकी बॉडी में जाने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं.
सो पीसीटी प्रोटोकॉल सजेस्ट किया जाता है बाय प्रोफेशनल्स इफ यू आर टेकिंग स्टेरॉइड्स. एक कॉमन सवाल, व्हाट डज पीसीटी मींस? जब आप एक्सेस में अपनी बॉडी को सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन से इंट्रोड्यूस करवाते हो तो यह आपकी बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनने के रेट को सरपास कर जाती है. इससे आपकी बॉडी की नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनने की एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. बट असली प्रॉब्लम्स एनाबॉल्स के बंद होने के बाद शुरू होती है. एक तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम से गिर जाएगा, साथ ही बहुत ही तेजी से मसल मास लॉस होगा और आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल्स काफी बढ़ जाएंगे. तो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए वी यूज पीसीटी, जो कि फार्मास्यूटिकल बेस्ड प्रोटोकॉल है. ये मेडिसिन के थ्रू होता है. अगला सवाल, पीसीटी कब शुरू करनी चाहिए? सबसे पहली बात, पीसीटी कभी भी ड्रग साइकिल के बीच में स्टार्ट नहीं करनी चाहिए और इसको करने का एक अटमोस्ट सेफ पीरियड है आपकी साइकिल खत्म होने के एक वीक बाद. अगला सवाल, ड्रग्स यूज फॉर पीसीटी. जो ड्रग्स आपको पीसीटी के लिए लेनी होंगी वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर. काउंटर भर के प्रोडक्ट्स हैं एक इंडिविजुअल के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर. जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन होती हैं इसमें उनका यूज एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर या फिर एस्ट्रोजन ब्लॉकर होता है. कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता बट फिर भी आपका भाई होने के नाते मैं आपको मेडिसिन के नाम बताता हूं जो कि वाइडली यूज है, आपको थोड़ी आसानी से मिल जाएंगी. ये फिर भी मैं कोई इसकी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी इस मेडिकल और ये मेडिकल आपको सिर्फ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेंगी. इसमें पहली मेडिसिन का नाम है क्लोमीफीन, दूसरी मेडिसिन का नाम है टैमोक्सिफेन. ये मेडिसिन बिल्कुल वैसे ही वर्क करती हैं. ये आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगी और आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को ब्लॉक करेगी. जो आपके एस्ट्रोजन बॉडी में बन रहे हैं उनको ब्लॉक करेगी. तो अब मुझसे ये मत पूछना कि भाई इनको खरीदने का कोई सही तरीका बता दो, आसान तरीका विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. तो भाई जैसे तुम जाके अपने टेस्टोस्टेरोन ले लेते हो, अपने स्टेरॉइड्स तो अपने एनाबॉल्स ले लेते हो, वैसे ही जाके इनको भी ले लो. और बेस्ट तो यही होगा कि तुम जाके सबसे पहले किसी प्रोफेशनल फिजिशियन के पास जाके अपनी बॉडी को टेस्ट करवाओ और उसके बाद उसी के प्रिस्क्रिप्शन से जो भी वो मेडिसिन लिखे उनको फॉलो करो और उसी से अपनी पीसीटी आगे बढ़ाओ. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. ये जो हमने स्टार्ट किया है टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड्स, इसको हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसा ये, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो हम इसके बारे में नई नई बातें करेंगे. लेकिन आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको थम्स अप दें, वीडियो पे कमेंट करें. और अगर आपको कोई भी कुछ बात करनी हो या फिर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में से डाल सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हैं. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ. टिल देन, पीस.